चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ लुक्सा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। कौमी असम्बली का अजलास तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर तक मुलतवी। कौमी असम्बली का अजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि गाड़ी पर झंडे लगाकर आए हैं, हम आज तक हुकूमत का हिस्सा हैं। स्पीकर ने पीर को गैर आइनी अमल किया तो हर हर बा आजमाएंगे, फिर कोई हमसे ना पूछे। शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि असम्बली के आइंदा सेशन में इमरान खान साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होगी, आसिफ जरदारी को यकीन। कराची में 25 मार्च से गर्मी की नई लहर मुतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ईरान और मगरबी अफगानिस्तान के करीब कम और जायद दबाव के बायस कराची में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। लड़का लड़की तशद्दुद केस, उस्मान मिर्जा समेत 5 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा। 2 लाख रुपए जुर्माने 1 माह में जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने केस में नामजद 2 मुलजिमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। लाहौर टेस्ट का शायकीन के लिए बड़ा सरप्राइज। पीसीबी का वर्ल्ड कप 1992 की सालगिरह भरपूर जोश खरोश से मनाने का फैसला। लाहौर टेस्ट का आखिरी रोज शायकीन क्रिकेट के लिए तारीखी दिन बन गया। लंपी स्किन की वबा वैक्सीन के गलत इस्तेमाल के सबब फैली। लंपी स्किन वबा की ये वैक्सीन मुबैना तौर पर जनूबी अफ्रीका से स्मगल की गई थी। गलत वैक्सीन के इस्तेमाल से अब तक 250 गायें हलाक हो चुकी हैं। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार की इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड hands with all state। मौजूद मेंबर के इंतकाल पर कौमी असम्बली का अजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली का अहम अजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। अजलास का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के MNA ख्याल जमान, साबिक सदर रफीक तारर, पिशावर धमाके के शहदा समेत दीगर वफात पाने वालों के लिए फातिहा ख्वानी कराई। इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, राजा परवेज अशरफ, एहसन इकबाल और दीगर अरकान ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन के 162 में से 159 इजलास में शरीक हुए। PP के जाम अब्दुल करीम दुबई में होने के बायस इजलास में शरीक ना हुए, जबकि PTM के अली वजीर जेल में और जमात इस्लामी के अकबर चित्राली गैर हाजिर थे। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने माइक पर बोलने की कोशिश भी की। अमीनुल हक का कहना था कि मुज़ाकरात का अमल जारी है। PP, JUIFA, मुस्लिम लीग, नून और हुकूमत से भी मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि परवेज़ खटक, असद कैसर
और असद उमर के साथ रबता है। उन्होंने मजीद कहा कि एक दो दिन में तमाम चीज़ें वाज हो जाएंगी तो मीडिया को पेश करेंगे। मुझे माजी में कोई फ़ोन नहीं आया, उम्मीद है मुस्तकबिल में भी नहीं आएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं फातह ख्वानी के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हुआ, बात तो दूर की बात, स्पीकर ने देखना भी गवारा ना किया, वो उठकर चले गए। स्पीकर का ये किरदार तारीख में सियाह अल्फाज में कायम रहेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने आज फिर पीटीआई के वर्कर की तरह कानून और रिवायात को पांव तले रोन दिया। 8 मार्च को करारदाद जमा कराई गई जिसके बाद 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने का पाबंद था। 22 तारीख को तारीख ख़त्म होना थी, ओआईसी का इजलास 22 और 23 को था। हमने डंके की चोट पर कहा कि इन दिनों में लॉन्ग मार्च करेंगे ना एहतजाज, वो हमारे मेहमान हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर को क्या मुश्किल थी, वो 21 मार्च से पहले इजलास बुला सकते थे। यह कानूनी मामला था लेकिन स्पीकर ने इमरान न्याजी से मिलकर साजिश की, वो आर्टिकल 6 के मर्तकब हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान की फातिहा रिवायत है लेकिन कानून और आइन रिवायत से बालातर है। आज बहुत अहम मौजू था, अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी, चाहिए था रिवायात अपनी जगह लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए तहरीक को टेकअप करते और वोटिंग कराते। उन्होंने हमारी एक न सुनी। स्पीकर ने पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा घिनौना किरदार अदा किया जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि असद कैसर इमरान न्याजी के स्टोज हैं, वार्निंग देता हूँ पीर के रोज़ इस तरह की हरकत की तो हमसे कोई ना पूछे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम मुकाबले से भाग रहे हैं, ये पहली मरतबा नहीं हुआ। आज फातिहा का बहाना था, जून 2012 में जब वजीर आजम का इलेक्शन होना था तब भी फौजिया वहाब का इंतकाल हुआ लेकिन हमने फातिहा पढ़ी, मगर जो आईनी जिम्मेदारी थी वजीर आजम का इलेक्शन वो भी पूरा किया, लेकिन आज स्पीकर इमरान के सहूलतकार बन गए हैं। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी हुकूमत के तस्वुर का सवाल नहीं है, जो भी होगा वो इत्तेहादियों के साथ होगा। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होगी और अगर स्पीकर ने करारदाद पेश ना होने दी तो एहतजाज करेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 27 मार्च तक गर्मी की शिद्दत जायद रहने का इम्कान है। इस दौरान दर्ज हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में एक हफ्ते के लिए गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। इस दौरान मौसम गर्म और कभी बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। कराची में 27 मार्च तक गर्मी की शिद्दत जायद रहने का इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ईरान और मगरबी अफगानिस्तान के करीब हवा का कम दबाव मौजूद है, जबकि मशरकी अफगानिस्तान के करीब हवा का जायद दबाव भी बन गया है। कम और जायद दबाव के बायस कराची में हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि कराची में दिन में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी और 28 और 29 मार्च को गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 30 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान एक बार फिर गर्मी की शिद्दत जायद होने का इम्कान है। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद और उनकी गैर अखलाकी वीडियो बनाने के केस में अदालत ने उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद और उनकी गैर अखलाकी वीडियो बनाने के केस में अदालत ने उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। लड़का लड़की तशद्दुद केस की समाअत एडिशनल सेशन कोर्ट में हुई और इस मौके पर पुलिस ने उस्मान मिर्जा समेत तमाम मुलजिमान को अदालत में पेश किया। फरहान शाहीन ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं और मौके पर नहीं था। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि मुलजिम को वापस ले जाएं। जज ने मुलजिम मोहिब बंगश से पूछा कि आप जाए वकुआ पर क्या लेने गए थे, जिस पर मुलजिम ने जवाब दिया कि वकुआ वाले दिन मैं घर पर था। जज ने हिदायत की कि इसकी वीडियो दिखाओ। अदालत ने मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा से इस्तफसार किया कि क्या मसला था, वीडियो क्यों बनाई थी, जिस पर उस्मान मिर्जा ने कहा कि कुछ भी नहीं, मुझे वीडियो का इल्म ही नहीं। उस्मान मिर्जा ने कहा कि ये वायरल वीडियो हमारे मुखालफीन ने बनाई, ये उनका काम है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा
अताउर्रहमान, अदारस क्यूम बट, मोहिब बंगश और फरहान शाहीन को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया, जबकि दो मुलजिमान उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। 25 मार्च 1992 को तमाम पाकिस्तानियों और खास तौर पर क्रिकेट और शायकीन क्रिकेट के लिए एक सुनहरा और यादगार दिन माना जाता है, क्योंकि इस रोज़ पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और पहली बार क्रिकेट का आलमी चैम्पियन बना। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर टेस्ट का आखिरी रोज शायकीन क्रिकेट के लिए तारीखी दिन बन गया, जहाँ उन्हें वर्ल्ड कप 92 की ट्रॉफी के साथ तस्वीर और सेल्फीज लेने का मौका मिल गया। इस मौके पर कौमी क्रिकेटर्स का जोश काबिले दीद था। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, जबकि मैनेजमेंट ने भी इस तारीखी मौके को यादगार बनाते हुए अपनी तस्वीर ली। वर्ल्ड कप 1992 की ट्रॉफी को कजाफी स्टेडियम में रख दिया गया, जहां इनक्लोजर्स में बैठे शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के हमराह सेल्फीज और तस्वीर बनवाई। पीसीबी वर्ल्ड कप 1992 की ट्रॉफी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में भी रखी गई। इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप 1992 के फाइनल की तस्वीरी झलकियों पर मुश्तमिल स्लाइड शो जारी करेगा। इमरान खान की क्यादत में नौजवान टीम ने नाकाबिल यकीन कारकर्दगी दिखाई। मेगा इवेंट में कौमी टीम में जोश व जज्बा दीदनी था। शायकीन क्रिकेट के लिए वो लम्हात आज भी नाकाबिल फरामोश हैं। लंपी स्किन की वबा वैक्सीन के गलत इस्तेमाल के सबब फैली। लंपी स्किन वबा की ये वैक्सीन मुबैना तौर पर जनूबी अफ्रीका से स्मगल की गई थी। गलत वैक्सीन के इस्तेमाल से अब तक 250 गायें हलाक हो चुकी हैं। सिंध के 29 अजला में से सिर्फ 5 अजला में लंपी स्किन की वबा का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लाइव वायरस वैक्सीन के गलत इस्तेमाल की वजह से कराची में शिद्दत इख्तियार करने वाले इस वबा से अब तक 250 गायें हलाक हो चुकी हैं। सूबाई लाइव स्टॉक के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नजीर कुलहोड़ो ने शहर में मवेशियों में लंपी स्किन वबा फैलने की वजूहत बताते हुए कहा कि तफ्तीश में मुब्तला डेयरी फार्मर्स ने किसी माहिर वेटरनरी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर लाइव वायरस वैक्सीन का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। लिम्पी स्किन वबा की ये वैक्सीन मुबैना तौर पर जनूबी अफ्रीका से स्मगल की गई थी। उन्होंने बताया कि लाइव वायरस वैक्सीन खतरे से खाली नहीं होती और उन्हें एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डॉक्टर नजीर कुलहड़ो ने निशानदेही की कि बकिया जानवर भी इस बीमारी से मुतासर थे, लेकिन उन्होंने मजबूत क़ुव्वत मदाफ़त की वजह से अलामात ज़ाहिर नहीं की थी। जब इस वैक्सीन से मौजूद जिंदा वायरस इन मवेशियों के जिस्मों में पहले से मौजूद पैथोजन के साथ मिल गया, तो इन जानवरों में भी ये बीमारी मुकम्मल तौर पर पैदा हो गई। फिलहाल लाइव स्टॉक का अमला गोट पॉक्स वैक्सीन मुतासिरा जानवरों को लगा रहा है, जो लंपी स्किन वबा के खिलाफ 40-50% तहफ़ फराहम करता है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में मैं आपको सस्पेंड कर दूं। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया, लेके आएंगे तरीके अदम एतमाद। साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी पाकिस्तान।